क्लास सिक्स के स्टूडेंट ध्यान दें, आज की जो वीडियो बनेगी उस वीडियो में वंडरफुल वर्ड्स की हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको भेजा जाएगा। ये वंडरफुल वर्ड्स पोएम है, 82 पर दिया हुआ है, 82 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको देखें वंडरफुल वर्ड्स को। शब्द भी विचित्र हैं, शब्द में वो ताकत है, शब्द में वो ज्ञान है, शब्द में वो भाषा भाव छिपा हुआ है, शब्दों के माध्यम से अपने आव भाव सब कुछ व्यक्त करती हैं, शब्दों की खेल से ही पूरी समावेशित खेल एक संयमित ढंग से बना हुआ है, तो इस तरह से इसीलिए इसको कहा जाता है वंडरफुल वर्ड्स। वर्ड्स के बिना, शब्दों के बिना दुनिया की कल्पना करना, इस वर्ल्ड की कल्पना करना एक अजीब सी बात होगी, इसकी कल्पना नहीं किया सकता है। लगभग हर इंसान कोई न कोई भाषा बोलता है, कोई न कोई वर्ड बोलता है, कोई न कोई शब्द बोलता है, किसी न किसी भाषा में वो बात जरूर करता है। हर जीव का, जो भी प्राणी इस दुनिया में है, उसकी एक अपनी लैंग्वेज होती है, अपनी भाषा होती है, उस भाषा में बात करता है और उस भाषा का अर्थ बनता है। लेकिन जो उसको नहीं समझते हैं उनके लिए वंडरफुल वर्ड्स है, विचित्र है। चलिए हम इस पर चर्चा करते हैं वंडरफुल वर्ड्स पर ही। इमेजिन ए वर्ड विदाउट लैंग्वेज, बिना किसी भाषा का, उस शब्द का, कोई ज्ञान का, थोड़ा सी कल्पना करके सोचें। ऑल ह्यूमन स्पीक्स एट लीस्ट वन लैंग्वेज, लगभग सभी लोग कम से कम एक भाषा तो अवश्य बोलते हैं। द वर्ड्स वी स्पीक ब्रिंग आउट आवर थॉट्स, जो शब्द जो बात हम बोलते हैं, इस बात से हमारी सोच का पता चलता है, इस धारणा का पता चलता है, उस भावना का पता चलता है कि हम क्या कहने वाले हैं। टू रीड द फॉलोइंग पोएम इन ऑन वर्ड्स, तो इसी शब्द पर दिया गया, वर्ड्स पर ही दिया गया, नीचे जो कविता दी गई उसको चलिए पढ़ते हैं। नेवर लेट ए थॉट श्रिवल एंड डाई, श्रिवल मतलब संकुचित होना, सिकुड़ना, डाई मतलब समाप्त हो जाना, मर जाना। नेवर ए लेट थॉट श्रिवल डाई, कभी भी अपने विचार को संकुचित मत होने दो, उसको समाप्त मत होने दो। और वाट ऑफ वे टू से इट, जो भी कहना है, जैसे भी कहना है। फॉर इंग्लिश इज वर्ड्स गेम, इंग्लिश में तो यह खेल की बराबर है, एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट, और तुम सब इसमें खेल सकते हो। ऑल दैट यू डू इज मैच द वर्ड, सबके शब्दों का कोई न कोई भाव है। टू द ब्राइटेस्ट थाट इन योर हेड, तुम्हारे मस्तिष्क में बहुत अच्छे सुसज्जित विचार हैं। सो दैट दे कम आउट क्लियर एंड ट्रू, इसलिए उन्हें बाहर निकालें, स्पष्ट भाव में सच्चाई के साथ पेश करें। एंड हैंडसमली ग्रूम्ड एंड फेड, ग्रूम्ड मतलब होता है श्रृंगारित, और उसको बड़े सुंदरता से सजा कर रखें, कभी उसको मुरझाने न दें। फॉर मेनी ऑफ लवलीस्ट थिंग्स हैव नेवर एट बीन सेड, बहुत ऐसी बातें हैं, बहुत अच्छी अच्छी विचार हैं जो कभी कही नहीं गई और नहीं कहीं सुने गए। वर्ड्स आर द फूड ऑफ ड्रेस ऑफ थाट, बहुत अच्छी बात ये लाइन है आपकी, कह रहा है वर्ड्स आर फूड एंड ड्रेस ऑफ थाट, शब्द जो हैं वह विचार के भोजन और वस्त्र के काम करते हैं। जिस तरह से मनुष्य के लिए भोजन और वस्त्र दोनों इसेंटियल थिंग्स है, उसी तरह से किसी की विचार को अगर मापना हो तो उसके लिए उसके जबान से निकली हुई शब्द ही बताते हैं उसका भाव क्या है, वह किस तरह का आदमी है। दे गिव इट्स बॉडी स्विंग, यह शब्द ही ऐसी चीज़ है जो शरीर को सही आकार और आयाम देता है। एंड एवरी वंस लॉन्गिंग टूडे टू हियर, आज तो हर आदमी, लॉन्गिंग मतलब था इच्छा, डिजायर। एंड एवरी वंस लॉन्गिंग टूडे टू हियर, और हर आदमी इसके जानने की इच्छुक है।
सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग्स। हर आदमी चाहता है उसको कुछ ताज़ी, कुछ नई चीज़ें, कुछ सुंदर चीज़ें मिले सुनने को। बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री ए थाट, लेकिन शब्द को बिल्कुल स्वतंत्र रखनी चाहिए। अपने विचार को किसी के गिरवी नहीं रखनी चाहिए। ये शब्द जो ज्ञान है, जो विचार है, वो स्वतंत्र हो। फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड योर आइज, अपने आँखों की के अंदर जो बंद है शब्द, उस प्रिजन से उसको बाहर निकालने चाहिए। मे बी योर माइंड इज होल्डिंग नाउ, हो सकता है तुम्हारे दिमाग में भी इस तरह के बहुत बड़े नए नए विचार, आश्चर्यचकित करने वाले विचार हों, छिपे हों, उसको बाहर आने चाहिए। जैसे कह रहा है, मे बी योर माइंड इज होल्डिंग नाउ ए मार्वेलस न्यू सरप्राइज, हो सकता है आपके दिमाग में बहुत अच्छी अच्छी विचार हों, अच्छी सोच हो, असंख्य संख्या में हो, उसको नई ढंग से जागृत करने चाहिए और उसको प्रस्तुत करने की प्रयास करनी चाहिए। इसकी हिंदी इंग्लिश दोनों दोहराएं और फिर नेक्स्ट में नेक्स्ट चीज़ पोस्ट की जाएगी।